हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि विंटर आने से पहले इस सीज़न में आपको पोर्चुलाका और पर्सलिन के प्लांट पे कौन से ऐसे ज़रूरी काम है जो कर लेने चाहिए, जिससे आप पोर्चुलाका प्लांट को सर्दियों में भी सेफ रख सकेंगे अपने गार्डन में और नेक्स्ट समर के लिए आपके पास ढेरों पर्सलिन और पोर्चुलाका प्लांट रेडी भी हो जाएंगे। कुछ एक काम आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, अगर आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए पोर्चुलाका के प्लांट सेव रखने हैं तो मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पोर्चुलाका का प्लांट फ्रेंड्स कटिंग से ग्रो करना इजी है, साथ साथ में इसके जब सीड्स फ्लावर आने के बाद सीड्स भी पक जाते हैं, उसके बाद इसके सीड से भी इस प्लांट को रेडी करना काफ़ी इजी है। तो फ्री में अगर आप इसकी एक डंडी भी अपने गमले में लगा लेते हैं तो इसके ढेरों प्लांट फ्री के आपके गार्डन में बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक पोर्चुलाका का प्लांट बहुत हेल्दी ग्रोथ में है। अक्टूबर का देखिए, आज 15 डेट हो गई है, 15 डेट हो गई है और काफ़ी अच्छी खासे फ्लावर्स मेरे गार्डन में भी खिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ भी हो रही है इन प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो अगला मंथ आएगा, जैसे जैसे विंटर्स पड़ेंगे तो ये प्लांट डॉर्मेंसी की ओर चला जाएगा, रेस्ट पीरियड की ओर चला जाएगा। इसके प्लांट कहीं ना कहीं मरने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में हम इन्हें कैसे सेव कर सकते अगले सीजन के लिए, अगले समर के लिए हमारे पास फ्री के प्लांट हम कैसे रेडी कर सकते हैं, इन प्लांट को सर्दियों में हम कैसे बचाएं, इसी पर ही आज आपके साथ में मैं बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक बार पोर्चुलाका और पर्सलिन के प्लांट हमारे बगीचे में आ जाते हैं तो वो कभी नहीं जाते, थोड़ी सी केयर करने के साथ। अगर आपको इस प्लांट को हमेशा अपने गार्डन में जिंदा रखना है तो कुछ एक बातों का हमेशा ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, पोर्चुलाका और पर्सलिन के प्लांट एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम इन प्लांट्स में ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, जब इनकी मिट्टी हम गीली गीली रखते हैं, मैसी सी रखते हैं, तो ये प्लांट खुश नहीं रहते, इनकी जड़ें अच्छी नहीं बनती, प्लस इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अगर इनकी जड़ें अच्छी नहीं बनेंगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो इनमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, तो हमेशा प्लांट की मिट्टी सूखने के बाद ही आप इस प्लांट को पानी दें। फ्रेंड्स, चाहे आप पर्सलिन के प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं या वेस्ट के किसी बॉटल में या डिब्बे में लगा रहे हैं, तो उसका ड्रेनेज होल हमेशा अच्छा रखें ताकि इस प्लांटर में पानी ना रुके इसके प्लांट में और प्लांट ख़राब ना हो। और ध्यान दीजिए कि कम से कम ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसे 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। तो इन छोटी छोटी बातों से आप पर्सलिन के और पोर्चुलाका के प्लांट को अपने बगीचे से कभी जाने नहीं देंगे। फ्रेंड्स, ये मॉस गुलाब है, ये इतना सुंदर प्लांट है, पूरे साल भर ये अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करने के बाद जब ये प्लांट रेस्ट पीरियड में जाता है, सर्दियों में इसे बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ एक बातों का ध्यान आप इस सीज़न में भी रखेंगे, इस टाइम पे रखेंगे, तो सर्दियों में भी आपका प्लांट सेव रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद का जो टाइम होता है, देखिए आज मैं 15 अक्टूबर ही है, उसी दिन मैंने ये वीडियो शूट किया है और यहाँ पर देखिए मेरे कई पर्सलिन का ऐसा प्लांट है और मोसरोस के प्लांट है जो बहुत कम ग्रोथ कर रहे हैं, जिनकी ग्रोथ अब लगभग ना के बराबर होने वाली है, क्योंकि आगे से आगे फ्रेंड्स सीज़न जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी फ्रेंड्स मैं इन प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट ना लूँगी और बचा लूँगी अगर मैं इन्हें 3 से 4 घंटे की धूप में रखूँगी और विंटर की ओस से बचा के रखूँगी, तो ये प्लांट फ्रेंड्स मरेंगे नहीं मेरे पास में, मेरे गार्डन से जाएंगे नहीं कभी। तो आपको भी अगर आपको मॉस गुलाब पर हमेशा बचा के रखना है इस प्लांट को, तो कुछ ना कुछ इस पर ट्रीटमेंट करते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो डेड सी बास्केट में लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, डेड मेरी ब्रांचेस हुई है इस प्लांट की और इनकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो जो भी ब्रांचेस है फ्रेंड्स, जैसे ये लटक रही हैं कहीं कहीं, तो इन ब्रांचेस को ऐसे कट कर देना है, बिल्कुल डरिए मत, इनको जड़ से नहीं निकालना है आपको, ओनली इन लटकती हुई ब्रांचेस को शेप देना है। प्लस फ्रेंड्स, जो भी गमले में आपने मॉस रोज के प्लांट को लगाया है, अगर उसमें एक्स्ट्रा घास फूस उग रहे हैं, कोई वीड्स उग रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो डेड टहनियाँ हैं, सूखी टहनियाँ हैं, उन्हें निकाल दीजिए। यानी कि आप जिस पॉट में मॉस रोज लगा है या पर्सलिन लगा है, उस पॉट को एकदम क्लीन कर दीजिए, ना उसमें कोई घास फूस हो, ना डेड कोई टहनी हो, बिल्कुल इसकी कटाई छटाई डरे बिना कर देनी है। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं इस प्लांट की।
और फ्रेंड्स देखिए, इस प्लांटर की मिट्टी एकदम सूखी है और अब इस स्टेज में हम इस पे पानी भी डालेंगे। और जो ये टहनियाँ कटी हुई निकल गई हैं, आप चाहें तो इन टहनियों से इसके न्यू प्लांट रेडी कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि इस तरह की हार्ड इसकी जो थिक सी जो इसकी डंडियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, ये हमें रख लेनी है साइड में। बाकी जो पतली पतली सी डंडियाँ हैं जिनकी कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, उसे आप फेंक दीजिए या फिर किसी कंपोस्ट बीन में डाल दीजिए। जैसे कि आप इसे खाली गमले में डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो खाली गमला भी आपका भर जाएगा और साथ के साथ इसका कंपोस्ट भी रेडी हो जाएगा। मैं ऐसा ही करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ये यहाँ से जो इसमें से अच्छी अच्छी हेल्दी ब्रांचेस थी वो मैंने रख ली है, और बाकी की जो ब्रांचेस काम की नहीं थी वो मैंने साइड में कर दी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुझे मिट्टी भी कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्लांटर जिनमें प्लांट्स खराब हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं प्लांटर, उनकी मिट्टी है, उन प्लांटर में से मिट्टी निकाल के उसे सनलाइट दिखा के थोड़ी कंपोस्ट मिक्स कर दी है। आप चाहे तो इसमें DAP के दाने भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से जो मैंने ब्रांचेस यहाँ से कट की हैं, उन्हीं ब्रांचेस को मैं इस वेस्ट के पॉट में लगा के रखूँगी, ताकि ये समर आते आते मेरा ये बास्केट भी भर जाए और बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर ले मेरा प्लांट, और मेरे घर में मेरे गार्डन से कभी भी मोस रोज का प्लांट नहीं जाए। यानी कि फ्रेंड्स, एक प्लांट को मैंने ट्रीटमेंट किया एंड सेकंड मैंने प्लांट को रेडी भी कर लिया। और देखिए, इस तरह से भुरभुरी मिट्टी बनाकर एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट रिवर सेट एंड एक पार्ट आपको कंपोस्ट का लेना। फ्रेंड्स, इस टाइप की सिंपल सी मिट्टी बनाकर आपको मॉस रोज के प्लांट को ग्रो कर देना है। देखिए, इसकी 2 से 3 इंच की डंडी भी लग जाती है। डंडी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक डंडी होनी चाहिए, ना मोटी होगी तो चलेगी, लेकिन बिल्कुल पतली डंडी इसकी नहीं लगेगी, क्योंकि ये विंटर में हम आगे विंटर आ रहे हैं और विंटर में लगा रहे हैं, तो इसकी थिक सी डंडी आपको लगानी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर कई सारे इस प्लांटर में छोटी छोटी ब्रांचेस लगा दी हैं। आने वाले टाइम में जब इस प्लांट की ग्रोथ होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मॉस रोज या पोर्चुलाका के प्लांट को नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी कर सकते हैं। आपके बगीचे से कभी भी ये प्लांट नहीं जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से कटिंग्स नहीं लगाना चाहते, तो आप जिस भी पॉट में पोर्चुलाका के प्लांट लगे हैं, फ्रेंड्स मॉस रोज का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे गर्मियाँ तो बहुत पसंद है लेकिन विंटर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये प्लांट विंटर में बिल्कुल डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और विंटर में लगभग ये प्लांट मर जाता है। लेकिन थोड़ी सी केयर करने के साथ आप इस प्लांट को विंटर में भी स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके वहाँ विंटर काफ़ी ज़्यादा होता है, धुंध ओस ज़्यादा पड़ती है या बारिशें भी होती हैं, तो फ्रेंड्स इसी प्लांट को आप ओस से बचाइए, बारिश के पानी से बचाइए। ऐसी जगह दीजिए जहाँ शेड तो हो लेकिन 4 से 5 घंटे की धूप भी इस प्लांट पर पड़ती रहे, तो आपका प्लांट हमेशा सेफ रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस टाइम पे इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, चाहे वो कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर चाय के पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, या वेस्ट की चाय पत्ती अगर आपने सुखा रखी है आपके बगीचे में, तो उसका पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन कुछ एक बातों का ध्यान रखकर आप हमेशा पोर्चुलाका और पर्सलेन के प्लांट को अपने बगीचे में सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं सर्दियों में भी। तो फ्रेंड्स, जिन बातों को मैंने आपको शेयर किया है, इन बातों को आप भी अपने पोर्चुलाका के और पर्सलेन के प्लांट पे अप्लाई कीजिए, ताकि आपका पोर्चुलाका का प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए हेल्दी ग्रोथ भी करता रहे और सेफ भी रहे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आप भी इसी तरह से हैप्पी हेल्दी एंड फ्री की गार्डनिंग करते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन।